नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीयू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कल हमने शुरू किया था केमिकल काइनेटिक्स, उसी को अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स का एक दूसरा लेक्चर है, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। दो न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं और इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करते हैं न्यूमेरिकल। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट पढ़नी सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में क्या गिवन है, स्टेटमेंट में क्या हमें कैलकुलेट करना है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि गिवन क्या है, कैलकुलेट करना क्या है, तब तक हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं, जैसे कि उसने लिखा है R is converted into P, ये देखिए हमने लिख लिया है, R को कन्वर्ट कर दिया है P के अंदर। उसने क्या कहा है बच्चों, उसने कहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारा रिएक्टेंट कौन है बेटा, R। वो कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.03 mT, और वो 25 मिनट में बदल करके कितनी हो गई है, 0.02 m। यानी हमारे पास दो टाइम है। उसने कहा पहला टाइम हमने रिएक्शन स्टार्ट की और दूसरा टाइम क्या है, रिएक्शन जब हमने कितने मिनट के बाद नोट किया, 25 मिनट के बाद। यानी हमारे पास टाइम कितने है, दो। तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, पहले लिख रहा हूं मैं टी इज इक्वल टू जीरो, टी स्टैंड फॉर टाइम। ये कंसेंट्रेशन किसकी दी उसने, रिएक्टेंट की। कौन से रिएक्टेंट के दिए हैं, R की 0.03 m। बेटा m जो हमने यहां लिखा है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलते हैं हमारे पास, जब वो कह रहा है कि आप टाइम कितना कर दें, 25 मिनट्स कर दें, तब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, 0.02 m हो गई है। अब हमें इसके लिए क्या कहा है उसने कि अब रेट ऑफ रिएक्शन निकाल के दिखाएं। हमने कल पढ़ा था ना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखने के लिए बोला, रेट ऑफ रिएक्शन बड़ा ही आसान तरीका बताया था ना, डिवाइड करना है तो मैंने डिवाइड के लिए ऐसे लिख दिया। हमारे पास कंसंट्रेशन किसके गिवन है बच्चों, रिएक्टेंट की, तो हमने चेंज के लिए क्या लगा दिया, डेल्टा। स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने किसको लिख दिया, आर को, डिवाइड में मुझे क्या लिखना है, डेल्टा पी। कल की तरह दो बातें याद रखनी है, कौन सी दो बातें याद रखनी है कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट। ये हमारा रिएक्टेंट है इसलिए हमने साइन कैसा लगा दिया, नेगेटिव। फिर क्या कहा था, जितने स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है हमें, डिवाइड। आर के आगे कितना स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, एक, इसलिए मैंने इसको एक से क्या कर दिया, डिवाइड। अब लिखते हैं हम, ये देखिए मैंने नेगेटिव साइन रखा, इस डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल। फाइनल कितनी है, 0.02 माइनस में 0.03 डिवाइडेड बाय, उसी तरीके से किसमें चेंज निकालना है मुझे, टाइम में। टाइम भी तो मुझे पता होना चाहिए, फाइनल पता होना चाहिए, इनिशियल पता होना चाहिए। फाइनल कितना दिया है बच्चों, 25, और इनिशियल कितना दिया है, 0। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 25। ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बन गया, 0.01 बाय 25। तो जो मैंने टाइम को चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि रेट में दोनों यूनिट यूज करनी है, यानी दो आंसर निकालने हैं हमें, एक आंसर निकालना है हमें मिनट में, एक आंसर निकालना है सेकंड में। तो ये आंसर हमारे पास किसमें है, मिनट में। तो ये रहेगा हमारे पास मोल पर लीटर पर मिनट बन गया है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं किसके अंदर, सेकंड में, तो उसके लिए 25 मल्टीप्लाई तो करना है, 0.01 डिवाइड बाय 25 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। क्यों किया, क्योंकि एक मिनट में 60
60 seconds होते हैं, तो आपका आंसर बन गया है 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल में। दूसरे न्यूमेरिकल में देखिएगा क्या लिखा है बच्चों, 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले वाले न्यूमेरिकल में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसमें स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2। उसी तरीके से देखिएगा A की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब टाइम कितना ले लें 0, तो वैल्यू कितनी दी उसने 0.5 मोल पर लीटर, जब टाइम कितना कर दिया गया है बच्चों 10 मिनट का। जब 10 मिनट का कर दिया गया है तो कंसंट्रेशन कितनी बन गई 0.4 मोल पर लीटर। अब क्या करना है, उसी तरीके से रेट निकालना है जो पेपर वाले न्यूमेरिकल में किया। लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये देखिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, मुझे डिवाइड करना है तो मैंने ऐसे लिखा। रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, मेरे पास रिएक्टेंट है, चेंज के लिए लगाऊंगा डेल्टा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। उसी तरीके से दो बातें, कौन कौन सी दो बातें, एक तो रहेगा नेगेटिव साइन, और जितने स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं उससे क्या कर दिया जाएगा डिवाइड। तो लिखते हैं उसी तरीके से, ये देखिएगा बच्चों मैंने माइनस का साइन लगाया। ब्रैकेट क्यों लगाई, ब्रैकेट इसलिए लगाई मुझे निकालना है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज निकालने का तरीका क्या होता है शिवम, क्या चेंज होता है फाइनल में से इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी है हमारी 0.4, इनिशियल कितनी है 0.5, डिवाइड किससे करना है मुझे टाइम से, टाइम कितना दिया मुझे, कितना टाइम दिया बच्चों 10, इसके साथ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कितना है 2, अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास --0.1 डिवाइड बाय 20, यानी कितना बना 0.1/20। यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, यूनिट लिखना बहुत कंपलसरी है बेटा, मोल पर लीटर पर मिनट। अगर आप चाहते हैं आंसर हमारा किस में आए सेकंड में, तो हमें करना क्या है, ये जो नीचे 10 लिखा था हमने 10 मिनट था, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, कितने से करेंगे शिवम 60 से, बहुत ही बढ़िया। अब हमारा आंसर बन जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। दोनों न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसको भी इरेज करूंगा, 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इस न्यूमेरिकल का। अब हम न्यूमेरिकल एक और लेने जा रहे हैं, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल लेंगे अभी हम एक और, एक स्टेटमेंट और लिखेंगे अभी। देखिएगा अब हम लेने जा रहे हैं न्यूमेरिकल, और क्या लिखा है न्यूमेरिकल, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं 2a प्लस 3b कन्वर्टेड इनटू 4d प्लस में 5e। क्या कहता है स्टेटमेंट, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये देखो मैंने एक स्टेटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है,
उसी तरीके से पढ़ते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो मैंने क्या लिखा, यहां लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लिखना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि रेट जो है आना चाहिए, किसके टर्म्स में आना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म्स में। यानी जो हम रेट लिखेंगे उसमें केवल ये आना चाहिए, कौन आना चाहिए, रेट आना चाहिए। रेट का मतलब क्या बताया था हमने, रेट का मतलब बताया था शिवम हमने टाइम से क्या करना है डिवाइड। इस डिसअपीयरेंस का मतलब क्या बताया था, साइन कैसा लगाना है, नेगेटिव। किसके अंदर, ए के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, E। वो कहता है कि हमारा ये जो रेट है केवल इसके टर्म्स में होना चाहिए, हम रेट को इसके टर्म्स में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन का रेट लिख लेते हैं, एक बार पूरी इक्वेशन का क्या लिख लेते हैं, रेट लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा मैंने रेट ऑफ रिएक्शन, ये लगा दिया मैंने इक्वल टू का साइन, उसने किसी पर्टिकुलर का नहीं बोला कि आप बी के टर्म्स में लिखे, डी के टर्म्स में लिखे या ए के टर्म। तो हमें सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, ए भी लिखेंगे, बी भी लेंगे, ई भी लेंगे और बी भी लेंगे। ये लिखेगा मैंने, ये डिवाइड का लगा दिया, क्या लिखेंगे अब ऊपर लिखेंगे हम साइन लगाएंगे नेगेटिव डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डिवाइड किससे कर देंगे, टू से। आगे फिर हम इक्वल टू का साइन, सारे टर्म्स आपस में इक्वल हैं, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, उसी तरीके से साइन नेगेटिव रहेगा, डिवाइड कर देंगे इसको थ्री से। अब हम डी का यूज कर लेंगे, डी का यूज करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डी तो हमारा कौन है, प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय फोर डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं, ई का भी यूज कर लेते हैं, ई का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव डेल्टा ई बाय फाइव डेल्टा टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन तो बन गया, लेकिन वो कह रहा है आंसर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर किसमें आएगा, वो कह रहा है हमारे पास ये फॉर्मूला आना चाहिए केवल। ये फॉर्मूला कब आएगा, जब मैं इस पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर, यदि मेरा आंसर क्या रहेगा, आंसर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ही क्यों करूं मैं, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करना है, तो यहां मेरे पास 2 है, इसलिए मैं इसको 2 से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई को। हमारा आंसर क्या बना, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। पूरी इक्वेशन को करना है, अब क्या रहेगा आगे, 2 बाय 3 इन नेगेटिव डेल्टा बी बाय डेल्टा टी इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, वो ही बचेगा 2 डेल्टा टी equals to 2 by 5 into positive delta E by delta। हाँ जी बच्चों, हमारा numerical क्या हो गया है, complete हो गया है। आज कल में जो discuss किया था rate of reaction से regarding हमने numerical कर लिए हैं। एक बार फिर rate of reaction की definition लिखते हैं, क्या था rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन हमने ऐसे लिखा था, ये हमने डिवाइड के लिए लिख दिया, ऊपर हमने क्या लिखा था, ऊपर हमने लिखा था बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन। बच्चों किसी का भी यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंट का भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, एनी वन ऑफ The reactants or products divided by मुझे क्या लेना है बच्चों, time
ठीक है। अगर बच्चों रिएक्शन में गैसीय सब्सटेंसेस हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय फेज में हैं, तो आप यहां कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। इफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन गैसियस फेज, प्रेशर मे बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चा हमारा? ये फॉर्मूला बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ऊपर जो हमने कंसंट्रेशन वर्ड लिखा है ना, वहां हमें क्या करना है, प्रेशर वर्ड यूज कर लेना है। चेंज इन प्रेशर ऑन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो बेटा हमारी यूनिट क्या बनेगी? आपको याद होगा ना केमिस्ट्री में प्रेशर को किस चीज में मेजर करते हैं? एटमॉस्फेयर में। तो हमारी यूनिट रहेगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड ले लें, पर मिनट ले लें, टाइम भी जो भी आपको यूनिट दी जाएगी न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए उसको यूज कर लें। हां जी शिवम जी आ गए हैं आप, बैठिए। हां जी अब हम शुरू कर रहे हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर दूं। भाई 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं हमारे पास आज के लास्ट टॉपिक के पास, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या निकाल रहे हैं बता रहे हैं। टाइप कितने टाइप के होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन? 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन से 2 टाइप? पहला जैसे कि न्यूमेरिकल में आया गया था ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। 2 फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बीच में जो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाता है उसको हम कहते हैं रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मेजर बिटवीन 2 fixed time intervals। तो fixed time interval वही एक hypothetical equation ले लेते हैं, a moles of a plus में b moles of b gives you x moles of x and y moles of y। जो अभी तक हमने बच्चों representation का तरीका देखा था वो एवरेज रेट, तो यहां हम एवरेज रेट कैसे निकालेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी तक न्यूमेरिकल्स में करवाई है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ऐसे लिखेंगे नेगेटिव डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी।
equal to negative delta B by B delta T equals positive delta X by X delta T equal to positive delta Y by Y delta T. तो ये बच्चों आपके पास हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब हम ले रहे हैं दूसरा, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहता है टाइम के किसी भी इंस्टेंट, टाइम के किसी भी इंस्टेंट में आपने जो रेट निकाला है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. रेट of reaction measured at any instant of time. तो जो कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, हमने आपको चेंज के कितने तरीके बताए थे, चेंज के लिखने के लिए डेल्टा और डी बोला था. तो इस डेल्टा को हटा करके डी लगा दीजिए तो जो रेट आएगा वो कौन सा बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस. एक ऊपर वाली हाइपोथेटिकल इक्वेशन के लिए रेट लिख रहा हूं मैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट, नेगेटिव डी ए डी टी. बिल्कुल आसान है, डेल्टा वोट आके डी ही लगाना है. नेगेटिव डी B by B equals negative, sorry, positive D X by X dt equal to positive D Y by Y dt. I hope बच्चों आपको आज का टॉपिक और न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं. तो दो मिनट दो सेकंड के लिए फिर रुक रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लें. आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है.